नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज जो मैं उपाय बता रही हूँ, ये उपाय आपको मंगलवार के दिन करना है और इस उपाय को करने के बाद आपकी लाइफ में यदि शादी से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है तो बहुत जल्दी आपको उसका उपाय मिल जाएगा, मतलब शादी के योग बनने लग जाएंगे। घर में कलह है, कलह दूर हो जाएगी, आपको मानसिक शांति मिलने लग जाएगी। भौतिक रूप से मतलब पैसों को लेकर के यदि आप तकलीफ में हैं, तो तकलीफ हमेशा के लिए चली जाएगी। यदि आप बार बार आपके साथ दुर्घटनाएं होती हैं, जैसे आपका एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक आपके ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है, तो भी आप इस उपाय को करें। ऐसा करने से आप जो आकस्मिक जो तकलीफें आती है आपकी लाइफ में, उससे भी आपको निजात मिल जाएगी। ठीक है, उपाय आप बड़े ध्यान से सुन लें, उसके बाद आप इसे फॉलो करें। तो जो नए नए व्यूवर्स आ रहे हैं मेरे चैनल पर, मेरी वीडियो की पहली बार विजिट ले रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। दोस्तों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। दोस्तों, आपका विश्वास, आपकी शेयरिंग, आपकी लाइक्स, ये मेरे लिए बहुत मायने रखती है, बहुत मायने रखती है। आप ये जो भी करते हैं, इसी से चैनल बड़ी बनती है। वीडियो बनाने का एक जुस्सा, एक उत्साह अंदर से जगता है कि यस, कुछ अच्छा करने की भावना अंदर से आती है कि आई हैव डन समथिंग बेस्ट। तो ये करते रहें। और दोस्तों, मैं एक नई चैनल लॉन्च करने के लिए जा रही हूँ, प्लीज आप उसे भी सब्सक्राइब अवश्य ही करें। उस चैनल के अंदर मैं उन तमाम जानकारियों को दूंगी जो सच्ची प्रेरक घटनाएं हैं, तमाम ऐसे अनुभवों को भी दोस्तों में शेयर करूंगी जो अनबिलीवेबल है। आज के इस कलयुग में सच में कुछ दुष्ट लोग किस तरीके से एक निर्दोष लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। कुछ ऐसे लोगों की कहानियां जो रंक से राजा बन गए, सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस को लेकर के, अपने विश्वास को, अपने भरोसे को लेकर के, तमाम चीजों को मैं उस चैनल में शेयर करूंगी। तो प्लीज, जैसे मैं वो चैनल को लॉन्च करती हूँ, आप उसे शेयर अवश्य ही कीजिएगा, आप उसे सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिएगा। तो चलिए, आज का मैं आपको उपाय बताऊं। मंगलवार के दिन दोस्तों आपको क्या करना है, यदि आप तमाम कंडीशंस को फेस कर रहे हैं, आपको एक बेली पत्र लेना है। बेली पत्र, बेल पत्र का पत्ता जिसमें तीन पत्ते हों, एक एक पत्ती नहीं लेना है, तीन पत्ती वाला बेली पत्र लेना है। यदि आप बेली पत्र नहीं ले पा रहे हो तो फिर आप पीपल का पत्ता भी ले सकते हैं, बराबर। कोई भी पत्ता आप ले ले, आप उसे धो करके स्वच्छ करें, थोड़ा सा उसके ऊपर गंगा जल छाट ले मंगलवार के दिन। ये क्रिया आपको पूजा स्थान में बैठ करके करनी है, बिल्कुल स्वच्छ कर ले। उसके बाद सफेद चंदन से या फिर लाल चंदन से आपको हर पत्ती पर, यदि बेली पत्र है तो तीनों ही पत्ती पर आपको राम 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 लिखना है, बराबर। यदि पान का पत्ता है तो उसमें भी आपको राम 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 लिखना है। पान का पत्ता है तो आप उस पर 9 बार लिखें राम राम राम, ठीक है। उसके बाद उस पत्ते के नीचे आप अपनी इच्छा को लिख दें। बेली पत्र है तो आपको सिर्फ 3 बार ही लिखना है राम राम राम, 3 पत्तियों में। वैसे आप लिखना चाहे तो हर पत्ती में 3-3 बार आप राम राम लिख करके, उसमें भी आप 9 बार कर सकते हैं कंप्लीट, करना चाहे तो करें, नहीं करना चाहे तो कोई बात नहीं है, सिर्फ 3 बार लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। उस पत्ती को आप सीधी करके रखें अपने पूजा स्थान में और उसके ऊपर थोड़े से चावल चढ़ा दें। क्या चढ़ाना है? थोड़े से चावल, चावल टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। चावल की गिनती भी दोस्तों आप गिन लें कि आपको 9 चावल ही उस पर रखने हैं, बेली पत्र के ऊपर या फिर पीपल के पत्ते के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद यदि आपको बेली पत्र अवेलेबल हो गया है तो आप उसको लेकर के जाएं शिवालय में और शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें। यदि आपके घर में शिवलिंग है तो उस पर भी आप चढ़ा सकते हैं। पान का पत्ता है, आप उसे लेकर के भगवान हनुमान जी के मंदिर में जाएं, वहां जाकर के आप उन्हें ये पत्ता अर्पित कर दें, ठीक है। जब आप इस पत्ते को अर्पित करते हैं तो इस पत्ते के ऊपर आप एक घी का दिया जलाएं। ध्यान से दोस्तों सुनना,
दीपक आपको इसके ऊपर घी का जलाना है, तेल का नहीं जलाना है। पत्ते पर जहां आपने लिखा हुआ है अपनी इच्छा और राम राम लिखा हुआ है, उसके ऊपर आपको घी का दीपक रख करके और हनुमान जी के सामने अर्पित कर देना है। यदि आप शिव जी को अर्पित करते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इस पत्ते को सिर्फ आपको शिवलिंग के ऊपर रख देना है, थोड़ा सा जल चढ़ा देना है। पॉसिबल हो तो थोड़ा सा गुड़ भी आप शिवलिंग के ऊपर रख दें, क्योंकि मंगलवार का टोटका है, तो यदि आप थोड़ा सा गुड़ चढ़ा देंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। इस उपाय को दोस्तों 5 मंगलवार आप करके देखें, बड़े से बड़ा काम भी दोस्तों बहुत आसानी से हो जाएगा। चलते फिरते आसानी से आप अपना काम करने में सक्षम हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। कर लेने के जैसा उपाय दोस्तों, तो करते रहें। ये सब कुछ करने में, समझने में कहीं कोई तकलीफ पड़ती हो, कोई ऐसी बात जो आपकी समझ में ना आ रही हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।